Assalamu alaikum, dear student. Today is last topic of third chapter, first year. What are different type of modems? Modems की कौन कौन सी टाइप हैं जो हम यूज़ करते हैं? एक्सटर्नल होती है, इंटरनल है, और थर्ड हमारे पास आ जाती है वायरलेस. एक्सटर्नल मोडेम क्या होता है? एक्सटर्नल मोडेम जो होती है वो हमारी डिवाइस के अंदर कनेक्ट नहीं होती, बल्कि क्या होती है, एक्सटर्नल यानी बाहर होती है, अलग से कनेक्ट की जाती है थ्रू टेलीफोन लाइन. टेलीफोन की जो तार होती है, वायर होती है, उसके थ्रू उसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है. एक्सटर्नल मोडेम इज़ अटैच टू द सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू टेलीफोन लाइन. क्या है? टेलीफोन लाइन के थ्रू इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है. आप डायग्राम में भी देख रहे हैं मोडेम क्या है. हमारे पास एक्सटर्नल है जिसको एक वायर के थ्रू, उसे क्या किया है, केबल के थ्रू कनेक्ट किया है हमारे पीसी के साथ, और वो चार्ज और उसके साथ साथ वो क्या है, थ्रू वायर ही क्या होती है, कनेक्ट होती है हमारे सिस्टम के साथ. इट इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन वॉल जैक बाय एन अदर केबल. क्या है कि या तो टेलीफोन लाइन यूज़ होगी या अदर केबल्स के थ्रू क्या होगी, कनेक्ट की जाएगी. एक्सटर्नल मोडेम इज़ कनेक्ट टू द कंप्यूटर यूजिंग सीरियल केबल. सीरियल केबल यूज़ की जाती हैं कॉम वन कॉम टू पोर्ट्स में. कंप्यूटर की वन या कंप्यूटर की टू जो पोर्ट है उसमें सीरियल पोर्ट्स जो हमारी हैं उसमें सीरियल केबल क्या की जाती हैं, कनेक्ट की जाती हैं. इट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर. इसे क्या चाहिए होती है, एक्सटर्नल पावर चाहिए होती है. ये मोडेम हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास इंटरनल मोडेम्स आ गई. इंटरनल मोडेम जो हमारी थी सर्किट बोर्ड के अंदर जो कनेक्ट थी वो यूज़ होना शुरू हो गई. वो कंप्यूटर के अंदर ही क्या होती थी, यूज़ होती थी. इंटरनल मोडेम जो थी वो एक्स्ट्रा, उसके जो फ़ायदे थे सबसे पहले तो ये था कि उसके लिए एक्स्ट्रा वायर्स नहीं चाहिए थी कि हम अलग से वायर लें, अलग से सेटअप लें, तब वो जाके कनेक्ट होगी, बल्कि हम उसको क्या कर सकते थे, इंटरनली कनेक्ट कर देते थे और उसके लिए एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत भी नहीं होती थी. अब इंटरनल मोडेम हमारे पास क्या है कि एक अदर टाइप है किस चीज़ की, हमारे पास मोडेम्स की. तो ये हमारे कंप्यूटर के सर्किट में ही क्या कर दी जाती, कनेक्ट की जाती हैं. लाइक एज़ हमारे लैपटॉप में जो हैं वो इसी टाइप की जो मोडेम्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर दी जाती हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाती है वायरलेस मोडेम. वायरलेस मोडेम इसकी थर्ड टाइप है. वायरलेस मोडेम क्या करती है, डाटा के सिग्नल को थ्रो एयर, उसमें तो ये है ना वायर्ड सिस्टम है कि कंप्यूटर के अंदर सर्किट के अंदर सेटअप में सेट कर दी इंटरनल मोडेम और हम उसको यूज़ करेंगे, लेकिन वायर सिस्टम उसमें भी यूज़ होगा. लेकिन जो हमारे पास वायरलेस मोडेम थी इनका सिस्टम क्या है कि हमारे पास ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की जाती हैं. किस लिए, डाटा की ट्रांसमिशन के लिए. वायरलेस जो होती हैं ये डाटा सिग्नल एयर के थ्रू क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं इंस्टेड ऑफ सिग्नल्स जो इंस्टेड ऑफ केबल्स को यूज़ नहीं करती, बल्कि क्या करती हैं, हमारे पास सिग्नल्स के थ्रू डाटा को क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं थ्रू एयर. इट इज़ आल्सो नाउन रेडियो फ्रीक्वेंसी मोडेम. यानी ये हमारे पास कौन सी हैं, लाइक सिंपल इसकी एग्जांपल जैसे PTCL हमारे पास है, वो क्या करता है, हमारे पास थ्रू वायर डाटा कनेक्ट करता है, डाटा शेयर करता है, कॉल सिस्टम को कंट्रोल करता है. लेकिन वायरलेस जो हमारे मोबाइल फ़ोन है ये क्या करते हैं, थ्रू एयर रेडियो सिग्नल्स के थ्रू डाटा की ट्रांसमिशन करते हैं. इसी तरह वायरलेस मोडेम में भी यही है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल मोडेम थी वो केबल्स के थ्रू डाटा की ट्रांसमिशन करती थी, लेकिन जो हमारे पास वायरलेस मोडेम आई इसने क्या किया कि केबल्स का यूज़ ना किया, बल्कि थ्रू एयर रेडियो सिग्नल्स के थ्रू डाटा की क्या की, ट्रांसमिशन की. इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. अब जो हमारे पास मोडेम है, बेसिक एक डिफरेंस ये भी आता है कि जो हमारे पास वायर्ड मोडेम थी यानी एक्सटर्नल और इंटरनल मोडेम, वो ना सिर्फ लैन बल्कि वैन में भी डाटा की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती थी. यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डाटा की ट्रांसमिशन में हमारे पास कौन सी यूज़ हो रही थी, हमारे पास वायर्ड सिस्टम में यूज़ हो रही थी. लेकिन जो हमारे पास ये वायरलेस मोडेम जो हमने डिज़ाइन की, इनका यूज़ कहाँ पे किया, हम लोगों ने लैन में किया, लोकल एरिया नेटवर्क में किया, जिनकी बैंडविड्थ कहाँ थी, हमारी सिंगल बिल्डिंग की थी. लेकिन वो हमारी वैन में भी यूज़, खैर वैन में तो जाएँ तो हम वहाँ डाटा ट्रांसमिशन के लिए राउटर्स और ये चीज़ें यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड सिग्नल्स का आ जाता है कंसेप्ट. लेकिन अगर हम मैन में डाटा की ट्रांसमिशन जाते हैं तो हमने कौन सी मोडेम यूज़ की, हमने वायर्ड मोडेम यूज़ की, एक्सटर्नल और इंटरनल मोडेम यूज़ की. यहाँ पे आपका चैप्टर होता है क्लोज बच्चे. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं. बाकी हमने वर्किंग और वायरलेस मोडेम क्या होती है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होती है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. थैंक यू वेरी मच.